हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर कुकिंग। दोस्तों आपको पता ही होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो अंडा बिरयानी आने वाला है। दोस्तों अंडा बिरयानी एक बहुत ही पुरानी और ट्रेडिशनल डिश है। इसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग बनाया करते थे। दोस्तों इसी तरह के टिप्स मैं पूरी वीडियो में बताता रहूँगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मैं बहुत तरह के ऐसे चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि कहीं और आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैंने गर्म पानी होने के लिए रख दिया था चावल पकने के लिए। मैंने उसमें सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं। दोस्तों नमक भी मैंने अभी ही डाल दिया है। दोस्तों इसमें मैंने तेज पत्ता नहीं डाला था जो कि मैं अभी डाल रहा हूँ। और दोस्तों चावल को मैंने भिगो के रख दिया था। इसको मैं पानी जब गर्म हो जाए पूरा तो इसमें डाल दिया है। ये देखिए दोस्तों पूरी अच्छी तरह से डाल देंगे और इसको ज़्यादा बिल्कुल ना स्टर करेंगे, चलाएंगे ज़्यादा नहीं क्योंकि चावल टूट जाएगा। ये देखिए दोस्तों हमारा चावल बिल्कुल लगभग हो गया है। चावल को दोस्तों हम पूरा अच्छी तरह नहीं पकाएंगे, इसको हम 80% तक ही पकाएंगे क्योंकि जब हम दम करेंगे तो और चावल पक जाएगा। तो इसको हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे पूरी चावल को। ये देखिए दोस्तों जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह आप बिल्कुल करें और ज़्यादा इसको ना चलाएं क्योंकि ये टूट जाएगा। अंडा ले लिया है दोस्तों, मैंने अंडे में छेद कर दिया है क्योंकि अंदर तक इसके फ्लेवर जाएगा। ये देखिए दोस्तों, और मैंने दोस्तों इसमें आलू का भी यूज़ किया है। अगर आप आलू ना चाहो तो ना यूज़ करो, मुझे आलू अच्छा लगता है बिरयानी में तो इसलिए मैंने डाला है। और दोस्तों तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, जब तेल से धुआं निकलने लगे तो इसमें हम सारे अंडे को डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दोस्तों ये देखिए हल्का हल्का जब इस पर कलर दिखने लगे तो इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों पूरी अंडा को हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे और इसी में मैंने आलू भी डाल दिया है। आलू को भी ये देखिए पिंक कलर का दिखने लगे तो आलू को भी बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए, और इसमें दोस्तों मैंने ब्रिस्ता भी बना लिया है क्योंकि बिरयानी बिना ब्रिस्ता को तो अच्छा लगता ही नहीं है, तो ब्रिस्ता तो बहुत ज़रूरी है। और इसी तेल में अब हम हमारे अंडे बनाएंगे। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा खड़ा मसाला का यूज़ किया है क्योंकि हमने चावल में बहुत ज़्यादा खड़ा मसाला का यूज़ किया हुआ था। ये देखिए दोस्तों मैंने इसमें प्याज वगैरह सब चीज़ डाल के अच्छे तरह इसे भून लूँगा। जब हल्का जब भून जाए तो इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल दिया है। और ये देखिए हमारे मसाले का कॉम्बिनेशन, इसका अगर आपको पता करना हो कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा पूरा इसमें बताया हुआ है। ये देखिए मैंने टमाटर का प्यूरी बना लिया था उसको भी इसमें डाल दिया है, और इसके जस्ट बाद मैंने नमक डाला है। और इसको तब तक भूनते रहेंगे जब तक इससे तेल ना छोड़ दे। ये देखिए, और हमने इसमें हमारे जो आलू हैं उसको डाल दिया है क्योंकि आलू अंदर तक इसमें भून जाएंगे, और अंडे को भी इसमें डाल दिया है। अब हमारा लगभग लगभग रेडी हो चुका है। ये देखिए, और दोस्तों अब टाइम है हमारा बिरयानी मसाला को जलाने का। ये देखिए मैंने तेल ले लिया है, आप इसमें घी फैट किसी तरह के भी फैट का यूज़ कर सकते हैं। मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है और इसमें जला लेंगे। और ये देखिए अब लेयर वाइज लेयर हम अंडा बिरयानी की तैयार करेंगे। ये देखिए दम करने के लिए अंडा बिरयानी बेसिकली कम खर्च में जल्दी बनने वाला डिश है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस बाज़ार से अंडे लाएं और घर के मसाले से ही बहुत टेस्टी चटपटा लाजवाब बिरयानी की रेसिपी हम रेडी कर सकते हैं। दोस्तों पुराने ज़माने में इसका सेवन लोग जल्दी बनने के चलते ही करते थे क्योंकि उनके पास समय कम होता था और जल्दी से जल्दी कोई डिश तैयार करनी होती थी। बेसिकली दोस्तों हैदराबाद में इसका प्रचलन सबसे ज़्यादा था, बट धीरे धीरे पूरे देश में इसकी मांग होने लगी है, लोग इसे पसंद करने लगे हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने लेयर वाइज लेयर अंडे के सजा लिया है। पहली लेयर हमारी हो गई थी, अब दूसरी लेयर, इसके बाद हम चावल डालेंगे। चावल को हम अच्छी तरह से अंडे से ढक देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से ढकने के बाद इसके ऊपर हम बिरयानी जो कि भून लिया था बिरयानी मसाला उसको डालेंगे, पूरी अच्छी तरह से चारों तरफ डाल देंगे। ये देखिए आप बस मेरे स्टेप को फॉलो करें। ये देखिए मैंने दूध का भी इसमें यूज किया है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट बन के निकलता है। और ये देखिए दोस्तों बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा ये मैंने क्या डाला है, ये मैंने चावल का पानी, जब चावल उबाल रहा था तभी पानी निकाल लिया था उसी को डाला है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट बनता है। आप भी एक बार इसको ऐसे ही करके ट्राई करेंगे। उसके बाद मैंने कलर डाला है और ब्रिस्ता, मैंने पहले ही बताया था दोस्तों बिना ब्रिस्ता का ना देखने में अच्छा लगता है बिरयानी ना टेस्ट में, तो ब्रिस्ता का यूज बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, और इसको मैंने अच्छी तरह से ढक दिया है। आप चाहो तो आटे का सील भी लगा सकते हो, मैंने आटे का सील नहीं लगाया, बस इसके ऊपर से काफ़ी वज़नदार
चीज़ रख दी है। और ये देखिए 10 से 15 मिनट के बाद आप बिरयानी को देखेंगे कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त कलर के साथ साथ बहुत अच्छा पक चुका है। ये देखिए मैं आपको प्लेट में निकाल के भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर भी है। वाह, खा के मज़ा आ जाएगा दोस्तों, बस आप एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।